आशुतोष शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का 12 गेंदों बनाया अर्धशतक का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, रेलवे के मध्यक्रम के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आशुतोष ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। युवराज ने 2007 में उद्घाटन T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड कायम किया था। आशुतोष जब क्रीज पर आए थे तब केवल 5 ओवर बचे थे और स्कोर 4 विकेट पर 131 रन था। उन्होंने इसके बाद 8 छक्के और 1 चौके की मदद से 12 गेंदों पर 53 रन बनाए। आशुतोष अपना रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक पूरा करने के बाद अगली ही गेंद पर आउट हो गए और 441 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ वापस चले गए। 25 साल के आशुतोष रेलवे के लिए अपना दूसरा और कुल 10वां T20 खेल रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 218 में अपना T20 डेब्यू किया था। वह अभी तक प्रथम श्रेणी में डेब्यू नहीं कर पाए। मैं बता दें कि युवराज सिंह का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड 16 साल तक कायम रहा। बीते दिनों ही एशिया गेम्स के दौरान मंगोलिया के खिलाफ नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने तोड़ा था। इस शानदार पारी से आशुतोष को IPL टीम में भी मौका मिल सकता है।